कोई नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम जाट शर्मा और आज अपन बात करने वाले हैं iOS 14.5 के कुछ फीचर्स के बारे में। तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही iOS 14 के कुछ हिडन एंड यूनिक फीचर्स के बारे में वीडियो बनाई थी। अगर आपने उस वाली वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करना। उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही भयंकर फीचर्स मैंने बताए थे और कैसे आप आइकन्स वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हो, कीबोर्ड्स वगैरह के शॉर्टकट वगैरह, जिससे कि स्पेस बार से आप सारे के सारे जो पॉइंटर होता है उसको, कर्सर होता है उसको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर फीचर्स हैं और वो वाली वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वेल रिसीव्ड हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तारीफ करी उस वाली वीडियो की। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोस की तारीफ करते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो उस वाली वीडियो के अंदर कुछ फीचर्स मिस हो गए थे जो कि मैं इस वाली वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा। और साथ ही जैसे कि आप लोगों को पता है कि 14.5 का अपडेट आ चुका है जिसके अंदर इन लोगों ने ऐप ट्रैकिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा तरीके से इंप्रूवमेंट करें उसके अंदर, उस वाले मामले के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास इस वक्त आईफोन है और ये जो है वो iOS 14.5 के ऊपर रन कर रहा है। इसके बाद मैंने कुछ iPad वगैरह के जो नए वाले वॉलपेपर आए हैं वो लगा रखे हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने ब्लैक वाली थीम जो है वो लगा रखी है। एक एक आइकन को जो है वो कस्टमाइज़ करा है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ़ोन। इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर अपन जो है वो हिडन एंड यूनिक फीचर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहला वाला फीचर के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि आप कहीं पर भी किसी भी ऐप के अंदर अगर काफ़ी ज़्यादा नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाते हो तो आपको जैसे ऊपर आना है। अक्सर मैं इस वाले फीचर को रेगुलर पर्पस पे स्पॉटिफाई के अंदर यूज़ करता हूँ। जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे हूँ अपनी प्लेलिस्ट के अंदर और मुझे कोई गाना सर्च करना है तो मुझको सिर्फ नॉच के ऊपर टैप करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्च बार आ जाती है। तो नॉच के ऊपर टैप करने से आप डायरेक्ट किसी भी वेब पेज के या किसी भी आपके ऐप के अंदर बिल्कुल टॉप पर ही पहुँच जाओगे, भले ही आप कितने ही नीचे हो। तो आप कुछ भी नहीं करना, बस आपको नॉच के ऊपर टैप करना है और एक सेकेंड में आप ऊपर पहुँच जाओगे। दूसरा वाला फीचर आपको देखने को ये मिलता है कि ये जो है वो इसके अंदर कोई सा फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं आता, इसके अंदर आपको फेस आईडी ही देखने को मिलती है। और फेस आईडी जो है बहुत अच्छी तरीके से काम भी करती है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करती है जब आपने जो है वो फेस मास्क ना लगा रखा हो। फेस मास्क लगाने के बाद फेस आईडी किसी भी काम की नहीं है। तो उसके लिए एप्पल ने एक नया अपडेट निकाला जिसके अंदर आप अपनी स्मार्ट वॉच से जो है वो इसको अनलॉक कर सकते हो अपने आईफोन को, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो एप्पल वॉच खरीदनी पड़ेगी। तीसरा फीचर आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप गैलरी के अंदर हो और आपको कोई सी फोटो हाइड करनी है तो फिर आप उस वाली फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ शेयर के अंदर जाके यहाँ पे नीचे जो है वो हाइड को ऑप्शन आता है, आप उसको जो है वो हाइड कर सकते हो यहाँ पे टैप करके। अब ये जो है वो हाइड हो जाएगी और आपकी गैलरी में कहीं पर भी नहीं दिखेगी सिवाय आप जब एल्बम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हिडन नाम का फोल्डर है, यहाँ पे जाके आपको आराम से वाली फोटो दिख जाएगी। अब ये जो है वो एक तरीके से काफी ज्यादा फीचर है, कोई भी जो है आपकी हिडन फोटोज को जो है वो देख सकता है। और इसको यहाँ से हाइड करने के लिए आपको जो है वो सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर फोटोज ढूंढ के आपको उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है वो आपको हिडन एल्बम को हाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप एक बार इसको टैप कर दोगे तो फिर आपकी फोटोज के अंदर हिडन एल्बम जो है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। अब किसी बंदे को सेटिंग्स में आके उसको ऑन करना पड़ेगा जो कि एक एक्स्ट्रा स्टेप है, हालांकि वो कर सकता है अगर उसको आपका पासवर्ड वगैरह पता हो तो। इसके साथ जब आप टच के अंदर जाते हो तो फिर यहां पर जो है वो आपको एक फीचर देखने को मिलता है जो है बैक टैप, और बैक टैप को ऑन करने के बाद आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप। मैंने ट्रिपल टैप के अंदर जो है वो स्क्रीनशॉट कर रखा है तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ 3 बार टैप करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट खींच लेता है जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट फीचर। एक तरीके से मेरे पास एक एक्स्ट्रा बटन है पीछे की तरफ, टैप करते ही स्क्रीनशॉट खींच जाता है। अगले फीचर के आप अंदर आऊं तो फिर वो जो है वो कैमरा का फीचर है। जैसे ही आप कैमरा खोलते हो तो फिर यहाँ पे शटर बटन को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो है खेल सकते हो। उस वाले फीचर को मैं रेगुलर पर्पस पर यूज करता हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं हिडन एंड यूनिक फीचर्स के अंदर बताना भूल गया था। तो आप शटर बटन को दबा के एक फोटो खींचते तो ये नॉर्मल फोटो खींच जाती है, लेकिन अगर उसको दबा के साइड करते हो तो फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में चला जाता है, और उसको दबा के इधर की तरफ साइड करते हो तो फिर ये लगातार फोटोज खींचना स्टार्ट कर देता है। मैंने लगभग 37 फोटोज जो है वो ले लिए काफी द बर्स्ट मोड के अंदर, तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार में ही। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो आई मैसेज यूज़ करते हैं, मतलब अगर आपके पास आईफोन है और आपके फैमिली के अंदर लगभग सबके पास आईफोन है तो फिर आप आई मैसेज यूज़ करोगे ही करोगे। तो इसके अंदर काफ़ी सारा शानदार तरीका है इमोजीज भेजने का। अगर आपका किसी का बर्थडे वगैरह है तो फिर आप उसको जो है वो इमोजीज भेज सकते हो। आपको बस एक मैसेज जो है वो क्यूरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेंड वाले आइकन को अगर दबा के रखोगे तो फिर यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे शानदार वाले ऑप्शंस आ जाते हैं। आप इसके अंदर स्क्रीन करना और फिर उसके बाद जैसे ही आप सेंड का बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर भयंकर तरीके से इमोजीज आ जाती हैं। अब इसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेसबुक और एप्पल की जो है वो जंग चल रही है। स्टीव जॉब्स जो है वो हमेशा से प्राइवेसी के मामले में आगे रहते थे और उन्होंने एप्पल के डिवाइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा तरीके से कस्टमाइज कर रखा है ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा भयंकर वाली प्राइवेसी दें यूज़र्स को, और एप्पल जो है उसी के उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। प्राइवेसी मीन्स
people know what they're signing up for in plain English and repeatedly. That's what it means. I'm an optimist. I believe people are smart, and some people want to share more data than other people do. Ask them. Ask them every time. Make them tell you to stop asking them if they get tired of your asking them. Let them know precisely what you're going to do with their data. तो फिर आप सेटिंग्स खोलते हो और यहां पे थोड़ा सा नीचे आगे प्राइवेसी के अंदर आते हो तो फिर यहां पे आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है और यहां पे आपको दिखता है कि अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक. तो अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो जो भी ऐप आपको ट्रैक करना चाहता है वो आपसे पूछेगा कि आपको अपनी ट्रैकिंग देनी है उसे या फिर नहीं देनी है, क्योंकि कुछ ऐप्स जो है वो अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं आपको, मतलब बिल्कुल लेजिट तरीके से, वो ज्यादा चुतियाप नहीं करते बीच में, लेकिन कुछ ऐप्स जो है वो फोकट ही आपकी इंफॉर्मेशन ले लेके आपका एक प्रोफाइल बनाते हैं, डेटा बनाते हैं आपकी प्रोफाइल के साथ साथ, उसको बेच देते हैं थर्ड पार्टी कंपनीज को और वो उसको आगे जाके सेल करती हैं ताकि आपको जो है वो टारगेटेड एड्स मिले. तो वो वाली चीज़ जो है वो एप्पल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वजह से ही फेसबुक जो है वो एक तरीके से एप्पल के साथ बीफ में चल रहा है और फेसबुक और एप्पल की लड़ाइयाँ चल रही हैं. बट अपेरेंटली काफ़ी अच्छा फीचर है अपन यूज़र्स के लिए और मैं वाकई में चाहता हूँ कि एंड्रॉयड भी जो है इसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी इनकॉर्पोरेट करे अपने फ़ोन्स के अंदर. इसके साथ साथ आपको एक और फीचर देखने को मिलता है काफ़ी शानदार वाला और वो है हियरिंग का फीचर. इसके अंदर आपके एयरपॉड्स प्रो आपको लेने की जरूरत पड़ेगी और एयरपॉड्स प्रो के लेने के बाद ये आपकी गाने की कितनी वॉल्यूम रखनी चाहिए आपको वो बताएगा, क्योंकि जरूरत से तेज वॉल्यूम जो है वो बहरापन कॉज कर सकती है. तो वो वाली चीज जो है ये यहाँ पे बताता है और उसके साथ ही साथ आप किस एनवायरमेंट में बैठे हो आपको वो भी बताता है कि वो वाला एनवायरमेंट जो है वो ज्यादा लाउड है या फिर कम लाउड है. तो उसकी वजह से अगर आप किसी भयंकर वाले एनवायरमेंट में बैठे हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके आपके कानों को बचाने की कोशिश करता है, जो कि काफी शानदार वाला फीचर है. इसके साथ साथ अगर आप क्रोम वगैरह को, स्पॉटिफाई वगैरह को अपना डिफॉल्ट ऐप बनाना चाहते हो, क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो सफारी वगैरह सेट हुआ वो आता है, लेकिन अगर आपको सफारी नहीं पसंद आपको क्रोम पसंद है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, सेटिंग्स के अंदर जाना है और नीचे स्वाइप डाउन करना है जब तक आपको क्रोम ना मिले. एक बार आपको क्रोम मिल गया तो फिर आपको इसको खोलना है और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो डिफॉल्ट ब्राउजर ऐप जो है मैंने ऑटोमेटिकली क्रोम पे सेट कर रखा है. आप चाहो तो सफारी या फिर क्रोम में से किसी को भी चुन सकते हो और उसके बाद उसको सेट कर सकते हो डिफॉल्ट ऐप. पहले iOS ये जो है वो अलाउ नहीं करता था लेकिन अब करता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये. ओके, एक फीचर जो है बिल्कुल बताना भूल गया था और वो है कि आपको इस वाले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. ये एक तरीके से सैमसंग की वेबसाइट है जिससे आप जो है वो एंड्रॉयड ट्राई कर सकते हो अपने आईफोन डिवाइस के ऊपर. तो आपने कभी भी अगर एंड्रॉयड नहीं चलाया है तो आपको बस यहाँ पे जाके इसको सेव टू अपना होम पेज करना है और जैसे ही आप होम पेज पे ऐड करोगे तो फिर ये जो है वो आइकन आ जाएगा और जैसे ही आप इसको खोलोगे तो फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट वगैरह करना पड़ेगा और फिर उसके बाद बूम, आप जो है वो एक एंड्रॉयड ओएस चला रहे हो अपने आईओएस डिवाइस के ऊपर. हालांकि फुल्ली फंक्शनल नहीं है लेकिन आपको एक तरीके से आइडिया दे देगा कि आपको जो है वो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एक एंड्रॉयड डिवाइस से. तो आपको काफ़ी शानदार वाला आइडिया मिल जाएगा और एक तरीके से आपको एंड्रॉयड पर स्विच करने को ये मजबूर भी कर सकता है. अगर यही था आज के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए भाइयों. लाइक करने वाली वीडियो को सब्सक्राइब करना एंड दिस मिस्टर सनी का भाइयों, जय हिंद. दोस्तों मेरा नाम है जाव शर्मा.